Good morning, my dear students. Today we will discuss about the second chapter of your ABS book, that is We Are Unique. Correct, we are unique, but why? Hum unique hain, hum adutiya hain, hum adbhut hain, lekin kyun? Kyunki hamare paas bahut sari aisi qualities hain, bahut sari aisi abilities hain, gunavattaen hain, ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से हम यूनिक होते हैं. वी हैव लॉट ऑफ एबिलिटीज इन द नेचर एंड वन ऑफ देम इज अ ब्रेन. हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन हमको सबसे यूनिक बनाता है. सभी लिविंग बीइंग में, सभी सजीव प्राणियों में अगर आप देखें तो क्या सभी के पास दिमाग होता है? होता है. लेकिन जितना लेवल दिमाग का ह्यूमन बीइंग का डेवलप है, क्या उतना किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलप है? नहीं. इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर टू ऑल द लिविंग बीइंग्स. अब हम इस चैप्टर में वो एबिलिटीज पढ़ेंगे जो एबिलिटीज हमको सबसे यूनिक बनाती है, ठीक है? एंड दैट इज सेंस, सेंसिबिलिटी. किसी चीज को सेंस करना, किसी चीज को महसूस करना. आप देखते हैं, हम खाना खाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पूरे दिन बहुत सारे काम करते हैं. इनमें से हम पांच कामों के बारे में आपका ध्यान चाहेंगे. ऐसे पहली चीज, हम अपने पांच काम ऐसे, किसी चीज को देखना, किसी ने टच किया तो उस चीज को महसूस करना, किसी स्मेल को सूंघना, किसी आवाज को सुनना और किसी खाने वाली चीज का टेस्ट करना. ये पांच ऐसे काम हैं जो हमको यूनिक बनाते हैं. लेकिन मेन बात है सेंस की. हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमको किसी चीज को सेंस करने में, जानने में, महसूस करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है? तो अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें, दो ऑर्गन्स विच हेल्प इन सेंस द स्टिमुलस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के बाहर की तरफ एनवायरमेंट में उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हमको ज्ञान कराते हैं जो बॉडी पार्ट, हम उनको क्या कहेंगे? सेंस ऑर्गन्स कहेंगे. यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब होता है हर वो चीज जिसको हमारा शरीर महसूस करे, ठीक है? तो हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या कहते हैं? आईज, आंखें, नोज, नाक, ईयर, कान, स्किन, त्वचा और टन, जीव. अब हम इनके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है वन बॉडी पार्ट, दैट इज अवर ब्रेन. हमारा मस्तिष्क इन सभी को कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये अगर मस्तिष्क चाहेगा तो आंखें देखना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन आंखें जो देखेंगी, मस्तिष्क उसको एनालाइज करेगा, पहचानेगा. नाक जो सुनेंगे, मस्तिष्क उसको पहचानेगा. कान जो भी सुनेंगे, मस्तिष्क उसको पहचानेगा. हाथ या हमारी स्किन जिस चीज को महसूस करेंगे, जिस चीज को छूना महसूस करेंगे, हमारा मस्तिष्क उसको पहचानेगा. टन, जीभ जिस चीज का स्वाद लेगी, हमारा मस्तिष्क उसको पहचानेगा, ठीक है? तो इसलिए ब्रेन हमारी बॉडी का क्या है? स्टोर हाउस है. वहां पर सारे की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है? फैक्टर्स फॉर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सेम थिंग. हमारी जो सेंस करने की क्षमता होती है एक्चुअली हमारी बॉडी पर डिपेंड करती है. हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, हम फिजिकली कैसे हैं, ठीक है? तो हमारा फिजिकल होना हमारी फैमिली पर डिपेंड करता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड और हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, ये दोनों ही हमारी फिजिकल जो हमारी बॉडी स्टेट होती है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? अवर टेस्ट लार्जली डिपेंड ऑन फैमिली बैकग्राउंड. यानी अगर हम किसी चीज से, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के डेट में से आस पास देखेंगे, कुछ लोग ब्राह्मण होते हैं, तो अगर कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. जो वेजिटेरियन होते हैं, क्या उनको नॉनवेज का कोई टेस्ट पता होता है? नहीं. लेकिन वो वेजिटेरियन है क्योंकि ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है. उनको फैमिली बैकग्राउंड के वजह से वो नॉनवेज का टेस्ट नहीं जानते, ठीक है? या फिर जो नॉन वेजिटेरियन भी है, वो जिस चीज को नहीं खाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली में ये चीज नहीं खाई जाती, वो चीज नहीं खाई जाती, तो वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट नहीं कर पाते. इसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड. कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब हुआ ट्रेडिशन
followed by family influence the sense of the child. किसी भी बच्चे के sense करने की जो capacity होती है उस पर family के जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है. We might like hot spicy valley food because that is how it is eaten in our family. यानी हो सकता है कुछ लोगों के घर में बोलते नहीं कि हमारे घर में कड़वा कम खाया जाता है. तो किसी भी फैमिली में अगर कम खाया जाता है तो ये फैमिली का इश्यू हुआ ना, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आने वाली जनरेशन में जो बच्चा आया उसकी सेंस करने की क्षमता. अगर वो आपके घर में कोई चीज कम कड़वी खाई जाती है, आप अचानक से किसी दिन ज्यादा खा लेते हो, तो उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा, यानी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी. ठीक है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं वो ज्यादा कड़वा खाते हैं, पहले से उनकी हैबिट है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड ही उनको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, Occupations, the municipal workers might not find the smell of the garbage stinky while it could be an unbearable foul smell for the passers-by. यानी जो ऐसे लोग, आप जनरल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे लोग जो गंदी जगहों के आसपास जिनके घर बने हो या जिनके आसपास का वातावरण काफी गंदा हो, उनको जनरली जो गार्बेज होते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होते हैं, जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, उनकी स्मेल प्रभावित नहीं करती. लेकिन जो लोग काफी वीआईपी एरिया से या रॉयल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको एक छोटी सी स्मेल भी बहुत जल्दी पता चल जाती है और वो उनकी बॉडी पर प्रभाव जल्दी करती है. ठीक है, ये उनके ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस हुए. स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हुआ हमारे माइंड की हुआ स्टेट, हमारा माइंड किस समय क्या चाहता है. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने विद्यालय आते हैं और उस समय जब सुबह एक बेल बजती है तो वो आपको उतना ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं होता, फील होता है. लेकिन जब वही बेल सेम बेल और उतनी ही बार छुट्टी में बजती है तब आपका माइंड कितना आपको एंजॉय प्रोवाइड कराता है, ये आप समझ सकते हैं. क्योंकि बेल सेम है, आवाज़ सेम है, लेकिन आपके माइंड की जो स्टेट है, सोचना सुबह मैं बेल बजी अरे ठीक है पढ़ना है एक जो भी है, लेकिन आप जैसे ही छुट्टी होती है बेल बजती है, हाँ आपको घर जाना है, तो आप तुरंत एक्साइटमेंट आपके साथ आप तुरंत रन कर लेते हो घर की तरफ. ठीक है, ये कहलाती है स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, लाउड म्यूजिक कुड बी फन एंड एंजॉयबल व्हेन वी आर इन अ पार्टी मोड, बट इफ वी हैव टू स्टडी और वी आर नॉट फीलिंग वेल. अगर कभी कभी क्या होता है कि हम पार्टी में जाते हैं तो हमको बहुत तेज का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कभी हम पढ़ रहे हैं या फिर हमारी तबीयत नहीं ठीक है और उस कंडीशन में वही म्यूजिक हमको सुनाया जाए, उतनी तेज सुनाया जाए, वही हमारे लिए अनकंफर्टेबल फील होता है. तो बेटा आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कशन करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में बात करेंगे, जो किस प्रकार से जिनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी या क्या एक्स्ट्रा एबिलिटीज थी, क्या इनएबिलिटीज थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे. तो आई होप कि ये जो सेंस ऑर्गन्स थे इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा. अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं. हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते